सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस जो आपका चॉइस होना चाहिए अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हो। तो एक्चुअली मैं किसी को प्रेफर नहीं करूँगा जीपी रेटिंग करने के। अगर आपके पास ट्वेल्थ करने का ऑप्शन है, अगर आप ट्वेल्थ करने के बाद जा रहे हो तो डीएनएस कर लो, बीएससी नॉटिकल साइंस कर लो, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करो स्टार्टिंग से ही। बट अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सिर्फ टेंथ तक रह गए, तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ से आपको जीपी रेटिंग करना चाहिए। और एक और चीज़ याद रखना जीपी रेटिंग करते वक्त कि जीपी रेटिंग में आप अपना टॉप परफॉर्मेंस बनाए रखना, जिसके वजह से आपको आगे चल के कोई प्लेसमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। सो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरा जीपी रेटिंग का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने जीपी रेटिंग के बारे में बताया था, क्या क्या आपका करियर स्कोप होता है उसमें, तो आप वाला वीडियो देख सकते हो आई कार्ड पे क्लिक करके, या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक की जीपी रेटिंग बेसिकली होता क्या है एंड कौन कौन बच्चे उसको कर सकते हैं, मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सो कमिंग टू दिस वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप कॉलेजेस जहाँ से आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। इन कॉलेजेस को मैंने मार्किंग नंबर वाइज नहीं रखा है कि ये बेस्ट है ये बेकार है, बट आप इन कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस में रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट कि आप यहाँ पे जाके अपना जीपी रेटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं अपना पर्सनल इसमें बताऊँगा कि आप कहाँ पे जा सकते हो इन द एंड ऑफ द वीडियो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कॉलेजेस की बात कर ले तो आपका आता है एमएट यूनिवर्सिटी, एचआईएमटी चेन्नई, आईएमआई ग्रेटर नोएडा, फिर आता है आपका टीएस रहमान, फिर है आपका मूसी गोवा, एंड देन है आपका लास्ट में ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज़। तो इतने सारे 6 ऑप्शन हैं आपके पास जीपी रेटिंग अगर आप करना चाहते हो, एंड दीज आर सम बेटर ऑप्शन देन अदर्स। तो ये सारे कॉलेज हैं। एंड अगर बात कर ले कि इनका कोर्स कब स्टार्ट होता है जीपी रेटिंग का, तो सारे इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेज स्टार्ट होते हैं वो या तो वो जनवरी के महीने में स्टार्ट होते हैं या तो जुलाई के महीने में स्टार्ट होते हैं। मतलब साल भर के इनके 2 कोर्स होते हैं, जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है, आपको पता होना चाहिए जीपी रेटिंग। तो इनका एक जनवरी में स्टार्ट होता है और एक जुलाई में स्टार्ट होता है, तो 2 बैच इन लोग का चलता है 1 साल में। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जीपी रेटिंग के लिए इन इंडिया। बट इन सारे इंस्टीट्यूट के भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किए हैं और ऑलमोस्ट सबके कॉमन ही आ रखे हैं। दैट इज़ एज लिमिट आपका वही 17.5 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक आपका एज लिमिट है, एंड रिलैक्सेशन भी वही आपका, अगर आप ओबीसी एनसील से हो तो 28 ईयर्स तक, एंड अगर आप एससीएसटी से हो तो दैट इज़ 30 ईयर्स, एंड अगर आप वीमेन हो तो आपका 2 ईयर्स का और रिलैक्सेशन बढ़ जाता है। तो ये एज लिमिट का हो गया। और अगर आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है 10th। 10th में आपका साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और आपका ओवरऑल 40% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में आपका 40% होना चाहिए। और अगर आप 12th कर रखे हो तो 12th में भी आपका 40% होना चाहिए, और 10th का तो आपका 40% लगेगा, प्लस उसमें साइंस, मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है क्लास 10th में, उसमें 40% होना चाहिए। और अगर आप आईटीआई कर रखे हो तो आईटीआई के भी फाइनल ईयर में आपका 40% होना चाहिए, प्लस आपके 10th में वही साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए विद 40%, और इंग्लिश में आपका 40% चाहिए। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। और एक और है कि आप एक अनमैरिड होने चाहिए, अनमैरिड कैडेट, एंड वन मोर थिंग दैट इज पासपोर्ट इज कंपलसरी फॉर दिस कोर्स। तो अगर आपको जीपी रेटिंग करना है इन सब इंस्टीट्यूट में तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपका प्लान है कुछ करने का ऐसा, तो यू कैन अप्लाई फॉर पासपोर्ट राइट नाउ। तो दिस इज थिंग, दिस इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सब आपके बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं जितने भी मैंने निकाल के रखे हैं, बहुत सारा रिसर्च करके निकाला है। तो दीज आर बेटर ऑप्शन देन मोस्ट ऑफ द अदर इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप जाते हो, या फिर अगर आप एक ओपन सीडीसी वाला प्लान कर रहे हो तो वो भी अच्छा नहीं है। दिस इज़ फार बेटर देन दोस। फालतू में एजेंट के चक्कर मत पड़ो कि हाँ ये करके वो करके आप सिप पे चढ़ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जीपी रेटिंग करने के बाद भी एजेंट के चक्कर में पड़ते हो, अच्छे कॉलेज से जीपी रेटिंग करो, अच्छा वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस करो, अपना सब कुछ जो भी सीखना है बेसिक चीज़ें जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे होती हैं सब कुछ में अच्छा परफॉर्मेंस करो, एंड विल डेफिनेटली गेट अ प्लेसमेंट। एंड या मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे फर्स्ट थिंग प्रीफर
टू डू क्लास 12th एंड देन गो फॉर DNS और तुम्हारा BTech, BSc जो करना है करो आफ्टर क्लास 12th, बिकॉज दे आर बेटर ऑप्शन देन GP रेटिंग, ऑलवेज आई विल टेल दिस. बट अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो यू कैन गो फॉर दीज इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो और एक और चीज़ है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ फी के बारे में. तो फी मैंने सारे इंस्टीट्यूट जो भी मैंने बताया उनके निकाल के रखे हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MIT यूनिवर्सिटी का. तो MIT यूनिवर्सिटी का अराउंड 2 लाख का खर्चा आता है. HIMT की बात करें तो उसका भी अप्रॉक्स 2 लाख है, 2,05,000 के आसपास है. ठीक है, उसके बाद नूसी गोवा की बात कर ले तो नूसी गोवा है 1,70,000 एंड TS रहमान है आपका 2,45,000. ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज दिस इज द लाइक सबसे महंगा इंस्टीट्यूट, दैट इज 4,50,000 फॉर GP रेटिंग. एंड फिर आता है आपका IMI 2.5 लाख. ठीक है, ये आपका 2,50,000 रुपये IMI का है. तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूट. एंड जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगा अपना प्रिफ्रेंस. तो फर्स्ट वन इज नूसी गोवा. नूसी गोवा उसमें आप जाने का प्लान करो, बिकॉज मैं वहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने वहाँ से किया है एंड आई थिंक प्लेसमेंट वहाँ का बढ़िया है. ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट. एंड फी आपका काफ़ी सही है, बाकी इंस्टीट्यूट से भी कम है एंड दे आर वेरी एक्टिव इन दिस सी फेयर एसोसिएशन एंड ऑल. तो नूसी गोवा आई विल प्रेफर. एंड उसके बाद आपको मैं प्रेफरेंस दूंगा ग्रेट ईस्टर्न का, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न में कंपनीज अच्छी आती हैं प्लेसमेंट के लिए. तो आप ग्रेट ईस्टर्न में जा सकते हो अपना प्लेसमेंट सही अगर आपको चाहिए तो. और यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं. और एक और चीज़ होगा कि इनका खुद का कंपनी भी है तो वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप का भी चांसेस होगा. सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉप कॉलेजेस फॉर GP रेटिंग. आई होप यू गॉट ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको GP रेटिंग का सारा अपडेट यहाँ पे मिलता रहे. एंड इफ़ यू वॉन्ट पर्टिकुलर वीडियो ऑन दीज यूनिवर्सिटी कि कैसे कैसे क्या होता है तो आई कैन मेक दैट ऑल्सो. एंड या सो या दैट्स इट. Thank you for watching this video.